गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर राहुल शर्मा प्रॉक्टर केयर क्लिनिक्स मेरठ से बोल रहा हूँ और मैं हूँ आपका प्रॉक्टोलॉजिस्ट। मैं आज आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो कि पाइल्स और फिशर के बारे में बहुत अमूमन लोगों में आम जनता में फैले हुए होते हैं। जैसे कि पाइल्स के बारे में बहुत कॉमन धारणा है कि सभी तरह के पाइल्स जो हैं लेज़र के द्वारा करना संभव होता है या लेज़र पद्धति द्वारा सभी तरह के पाइल्स करे जाते हैं। तो मैं इसमें आपको जानकारी देने के लिए बताऊं कि जो इंटरनल पाइल्स होते हैं उसमें लेज़र को इस्तेमाल किया जाता है, जो बाहर के पाइल्स होते हैं जो कि बाहर प्रोट्रूड कर गए हैं उन पाइल्स को हमें एक्सीजन के द्वारा कॉटराइज करके ही निकालना पड़ता है। उनमें लेज़र डालने से कोई बहुत ज़्यादा पेशेंट को फायदा नहीं होता है, उसके द्वारा उनको नहीं खत्म किया जा सकता है। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको मेडिकल में अपियर होना होता है, जैसे आर्मी का मेडिकल है, एयरफोर्स का मेडिकल है, उन केसेस में हमें उन पाइल्स को बाहर से एक्साइज ही करना पड़ता है। उसके अलावा उसको खाली लेज़र करने से उसमें कोई पेशेंट को बहुत लाभ नहीं पहुँचेगा। हालांकि इंटरनल पाइल्स जो होते हैं उनमें लेज़र का 100% लाभ पहुँचता है और उससे वो पूरी तरह से सिकुड़ जाते हैं।